टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया की ओमान के खिलाफ धमाकेदार जीत आई, जिसके चलते अब तकरीबन इंग्लैंड की टी20 वर्ल्ड कप 2024 से तय हुई विदाई। जी हां दोस्तों, कैसे चले दिखाते हैं आपको सब कुछ इस छोटे से वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे पास एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहले जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेले गए मुकाबले में क्या कुछ हुआ। तो ओमान की टीम ने पहले गेंदबाजी की थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए जब मैदान पर उतरी तो शुरुआत बेहद ही खराब रही, बल्ले से रन बन नहीं रहे थे। हालांकि बाद में जबरदस्त बल्लेबाजी की आखिरी के 6 ओवर में रनों का अंबार लगाया, जहां पर डेविड वार्नर ने 51 गेंदों में 56 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। तो वही मार्कस स्टोनिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आज के हीरो रहे, मैन ऑफ द मैच भी बने, 36 गेंदों में 67 रनों की तूफानी पारी खेली। बात करें अगर ओमान के गेंदबाजों की तो मेहरान खान ने जरूर 2 विकेट चटकाए, उसके अलावा और ज्यादा कोई गेंदबाज खास प्रदर्शन कर नहीं पाया। लेकिन जब लक्ष्य दिया ऑस्ट्रेलिया ने 165 रनों का, तो उसके जवाब में ओमान की टीम शुरू में ही लड़खड़ा गई थी। ओमान की टीम की तरफ से आयन खान ने 30 गेंदों में 36 रन बनाए, मेहरान खान ने 16 गेंदों में 27। और बात करें अगर हम ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की तो मार्कस स्टोनिस, जिन्होंने बल्ले से अंबार लगाया, गेंदबाजी में भी कहर बरपाया, 19 रन देकर के 3 विकेट चटकाए। तो वहीं 2 विकेट मिचेल स्टार्क ने भी चटकाए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 39 रनों से जीत लिया। तो अब दोस्तों समझते हैं कि इंग्लैंड कैसे बाहर हो जाती है, तो चलिए दिखाते हैं आपको पॉइंट टेबल। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया, जिसके चलते पहले मुकाबले के जीतने के बाद उनके 2 अंक भी हो जाते और रन रेट भी +1.950 है। और नामीबिया की बात करें तो उनके पास भी 2 अंक है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेले गए मुकाबला जो कि बारिश के चलते पूरा नहीं हो पाया था, जिसके चलते दोनों टीमों को 1-1 अंक दे दिए गए। अब ऑस्ट्रेलिया जिस प्रकार की फॉर्म में, लगता है जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हरा देगी, तब जाके इंग्लैंड 2 मैच खेलने के बाद सिर्फ 1 अंक रहेगा। अब ऐसे में इंग्लैंड को जो अपने बचे हुए 2 मुकाबले रहेंगे, जो कि वो नामीबिया और ओमान से खेलेगी, अगर उन दोनों मैचों में से अगर एक भी मुकाबले में बारिश हो जाती है तो फिर ऐसे में इंग्लैंड का इसे टी20 वर्ल्ड कप में सफर खत्म हो जाएगा। क्योंकि इंग्लैंड को अगर क्वालिफाई करना है सुपर 8 में तो कम से कम 5 अंक होने चाहिए। अगर बारिश हो जाती है तो फिर ऐसा इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर इंग्लैंड को क्वालिफाई करना है तो कम से कम अब उसको यहाँ से 2 मुकाबले और जीतने पड़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।